अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मानी फ़िश पॉइंट को बताऊंगा मैं। खीरा तकरीबन 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से, कुन तकरीबन 450 रुपये पर केजी के हिसाब से, ब्लैक कुन नहीं है। ईरानी मुश्का तकरीबन 650 रुपये पर केजी के हिसाब से, दोतर तकरीबन 750 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये हीरा छोटे साइज़ का 700 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये मुला फिश तकरीबन 550 रुपये पर केजी के हिसाब से, झींगा तकरीबन 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से, छोटे साइज़ का 600 रुपये का, ये वाइट कौन तकरीबन 700 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रही थी। ये भी ब्लैक भी पड़ा हुआ है लेकिन वाइट का मैं बता रहा हूँ, वाइट साथ में इसका। सारम तकरीबन 500 रुपये पर केजी के हिसाब से, दंगे तकरीबन 450 रुपये पर केजी के हिसाब से, चकोरी 350 रुपये पर केजी के हिसाब से, ब्लैक पापलेट तकरीबन 850 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। ये बड़े अच्छे साइज था और फ्रेश भी था माल इसका। लॉबस्टर 3000 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। इसके पास एक दाना पड़ा हुआ है लेकिन आगे दूसरे बंदे के पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, उससे भी मैंने मालूम किया, तकरीबन 3000 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। गिसर तकरीबन 850 रुपये फाइनल कह रहे थे। ये बड़ा अच्छा टेस्टी मछली है, मैं खुद यही खाता हूँ, ये बड़ा अच्छा फिश है। दोतर तकरीबन 800 रुपये पर केजी के हिसाब से कह रहे थे। ये मीटू पीछे ये भी अच्छे होता है लेकिन इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, ये तकरीबन 500 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। फिर एक पीस ये जलेबी पापलेट है, ये भी 400 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे लेकिन इसका गोश्त इतना मज़े का नहीं होता। ये भी ब्लैक कोन है अच्छे साइज़ का, ये तकरीबन 450 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। ये लॉबस्टर है, ये 3000 रुपये पर केजी के हिसाब से कह रहे, अच्छी साइज़ का, फुल साइज़ का। ये तकरीबन झींगा तकरीबन 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से कह रहे थे। वाइट पापलेट 2500 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे, अच्छी साइज़ का। इसके पास कुन वगैरह सारे पड़ा, सुरमाई 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं।